करनाल के 36 किसानों पर दर्ज हुए मामलों के विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल जिला सचिवालय के सामने किसानों ने धरना दिया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यदि जिला प्रशासन की ओर से किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो किसान कोई बड़ा फैसला लेंगे। ऐसे धरने में पहुंचे किसान नेताओं की तरफ से कहा गया, किसानों के द्वारा दिए गए धरने में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में 29 अगस्त को सुशील काजल नाम के एक किसान की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने फिर से करनाल में जोरदार धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान सरकार, जिला प्रशासन और किसानों के बीच हुई बातचीत हुई। किसानों और सरकार के बीच किसानों पर दर्ज हुए मामले और घायल और मृतक किसान परिवार को मुआवजे पर सहमति बन गई थी, लेकिन अब फिर से किसानों को कोर्ट से समन आने शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद किसान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। आज का जो धरना प्रदर्शन रखा गया है उसका कारण है जो पिछले साल बस्ताड़ा में हमारे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें दोनों तरफ से केस दर्ज थे और जब आंदोलन जीतने के बाद मुख्यमंत्री से समझौता हुआ, हरियाणा के सभी केस वापस लिए गए और जो बस्ताड़ा लाठीचार्ज में जो पुलिस अधिकारी SDM यू सिन्हा वो भी सारा केस वहीं पर समाप्त हो गया और वापस ले लिया गया। पर अब जानबूझकर पुलिस अधिकारी हरजिंदर सिंह द्वारा हमारे 36 लोगों पर कोर्ट में, करनाल की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया है। आज उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है, क्योंकि जब समझौता होने के बाद ये वादा खिलाफी है, ये सरकार की शह पर, मुख्यमंत्री की शह पर ये हो रहा है। इसका एक ही मकसद है, किसानों को किसी तरीके परेशान किया जाए और उनको डराया जाए। आज उसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सभी किसान साथी इकट्ठे हुए हैं और हमारी सरकार से चेतावनी है, ऐसे किसी भी केस से ना तो हम डरने वाले, और ये जो केस कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं इंस्पेक्टर रजिंदर सिंह द्वारा, ये आपको वापस लेने पड़ेंगे और इसके लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और आज उसी को लेकर आज का धरना प्रदर्शन है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से है। डॉक्टर दर्शन पाल जी और हरियाणा के भी सभी संगठनों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और आज यहाँ से 4 बजे कोई मजबूत फैसला लेंगे और अपने किसानों के केस वापस करवाएंगे। बिल्कुल, और भी जिलों, साथ लगते जिलों से भी किसान साथी पहुँचे हैं और संगठनों के भी नेता पहुँचे हैं और जो भी 4 बजे यहाँ पर सामूहिक फैसला करके और ये जो पर्चे दर्ज हुए हैं इनको रद्द करवाएंगे अपने किसान साथियों के साथ। लास्ट ईयर यहाँ हुआ था 28 तारीख को, आपको याद होगा, टोल प्लाजे के ऊपर भयानक लाठीचार्ज और साथ ही एक साथी सुशील काजल हुए थे, उसको लेकर काफी कशमकश हुई थी। उसके बाद एक्चुअली ये हुआ कि 9 दिसंबर को 2021 को जब हम उठे हैं अपने बॉर्डर से, तो 9 दिसंबर को एक चिट्ठी हमको सरकार ने भेजी थी जिसमें क्लियर करके लिखा था कि जितने भी केस हैं यूनिटरी तरीके या स्टेट के या कोई भी तरह रेलवे के केस है, दिल्ली सरकार के केस है, वो तमाम केस वापस लिए जाएंगे। हमें पता चला है कि यहाँ जो बस्ताड़ा के जब उस समय हुआ था उस समय कोई इंस्पेक्टर थे यहाँ हरजिंदर सिंह करके, उन्होंने बाद में वो केस पर्सनल लेवल में बोलते कि उन्होंने वो सरकारी एम्प्लॉई है, ये केस 36 लोगों को केसेस है, ये गलत नेक्स्ट कमिंग 4 सितम्बर को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होने जा रही है, उसमें ये जो वादा खिलाफी की है हरियाणा गवर्नमेंट ने या चीफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के शहर में ये 700 किसान की जानकारी में है, चीफ मिनिस्टर को इसका पता है, या तो याद रखना है और तो हम यही दोष लगाएंगे कि चीफ की शह के ऊपर ये केस 36 किसानों के ऊपर लगाए गए हैं, जहां एक तरफ केस आज भी अखबार में खबर है कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट केस वापस ले रहे हैं, रेलवे के केस वापस लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, ये एक तरफ वादा खिलाफ है, समझौता हो गया, समझौता भी चिट्ठी के बाद हमने अपने धमके उठाए थे, ये एक तरह का वादा खिलाफी है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम 4 सितम्बर को SKM की जो